ओके सो हे गाइस, बसो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, सो पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आपको चले जाना है ऐड फोटो में, एंड यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, जो आपका मॉडल होगा गाइस, आप सभी को कुछ स्टेप्स यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है। एंड गाइस, अभी आप सभी को यहाँ पे डन नहीं करना है। अभी आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ से गाइस, आपको इसका पहले डुप्लीकेट बना लेना है। तो आपको इरेजर के ऊपर जो टूल दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है। एंड इसको सेम साइज में वैसे ही रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी को अपने जो दूसरा डुप्लीकेट मॉडल है, इसको आपको ले जाना है यहाँ पे एफएक्स में, एंड यहाँ पे ले जाना आपको कलर्स में। फिर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिखेगा, आपको इस पर प्रेस करना है। उसके बाद आपको अमाउंट जीरो कर देना है एंड मर्ज कर देना ऊपर से। फिर इसको नेगेटिव वाला ले लेना है एंड इसको मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद कलराइज में जाना है, एंड यहाँ पे गाइस आप सभी को एकदम बिल्कुल माइनस कर देना है बिल्कुल, ठीक है। आपको रेड कलर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर करना है, रिजल्ट टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। फिर इसके साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है, एंड इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी आपको कम कर लेना है, ठीक है। साइज़ को आप अपने हिसाब से रख लेना। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, ठीक है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आप सबको कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है। यानी कि मतलब कि इस पेंट करने से यह दिखाना है कि आपको जो मतलब ये जो हार्ट है हमारा, इसका जो रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से कर लेना है, एंड इसका डन करना है। एंड उसके बाद गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है आपको। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन भी रख सकते हो और चाहो तो लाइटन भी रख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर लाइटन रख लेना आप भी। एंड उसके बाद गाइस आप सबको इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। एंड इसका डुप्लीकेट करने के बाद आपको सेम उसी जगह लगा देना है। एंड इसकी चाहो तो आप थोड़ी ओपेसिटी कम कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लगे तो, बाकी आप उतना भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, आप सबको चले जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड आप सबको एक डार्कनेस विग्नेट का पीएनजी मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप सबको इसको फुल स्क्रीन कर देना है, एंड कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, इजीली ऐसा लग जाएगा। एंड उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड अपनी इस फोटो को यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, एंड लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, आपको चले जाना इस लाइट वाले ऑप्शन में। सो इस लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सबको इसका कॉन्ट्रास्ट है जो उसको बढ़ा देना है, ठीक है, हल्का सा। एंड इसके बाद जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है। एंड इसका शेडो जो है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो व्हाइट है इसको आपको थोड़ा कम कर देना है, एंड ब्लैक को भी कम कर देना है। एंड चले जाना नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो का टेम्परेचर इसको माइनस कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। इसका सैचुरेशन जो है इसको आपको माइनस कर देना है, एंड लुमिनस बढ़ा देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, येलो कलर को लेना है, इसका ह्यू जो माइनस कर देना है, इसका सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर चले जाना डार्क ब्लू में, इसका आप चाहो तो ह्यू माइनस में भी रख सकते हो एंड प्लस में भी रख सकते हो। इससे ये होगा कि डार्क के संदर्भ आप डार्क भी कर सकते हो, स्काई ब्लू भी कर सकते हो। फिर इसका डन कर देना है। एंड इसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो भी डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी नीचे स्क्रॉल करोगे ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, उसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है जिसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस जो नीचे नोट डायरेक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस जो कलर नोट डायरेक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।